ठीक है, पार्ट थ्री में आएंगी ये रिट। अब देखो ये क्या है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनका क्या होगा, वॉलेशन होगा। क्या क्या रिट है देखो, पांच दी गई थी। पहली देखो, पहली वाली थी हेबस कॉर्पस, हेबस कॉर्पस फर्स्ट है, इसका मतलब टू प्रोड्यूस द बॉडी। क्वेश्चन आपका आएगा कि हेबस कॉर्पस में क्या है, इसका मतलब है टू प्रोड्यूस द बॉडी। मतलब अगर देखो आपने कोई गुनाह किया है या नहीं किया है, आपको पुलिस पकड़ के लेगी, ठीक है। अब 24 घंटे के अंदर क्या होता है, हमें कोर्ट में पेश करना पड़ता है। पर अगर बाई चांस क्या होता है, अगर हमें कोर्ट में पेश ना करा जाए, कोर्ट में पेश ना करा जाए और कल को कोई हमारा रिलेटिव आए, या फिर हमें बताया ही नहीं जा रहा है कि हम कहाँ पे हैं, पुलिस है कुछ भी कर सकती है, अगर यानी कि उसको पावर मिली है, पर ये थोड़ी ना कि वो भी कर सकती है, पर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के करे। म्यूट हो गया मैम। टू हैव अ बॉडी, आपको बताना है अगर बाई चांस कोई आपका रिलेटिव आ रहा है, पूछा जा रहा है कि कहाँ पे है, यानी कि पर्टिकुलर जो पर्सन आया है वो कहाँ पे है, उसको 24 आवर्स से पहले आपने क्या करा था, अरेस्ट करा था। अगर पुलिस आपको बता नहीं रही तो आप जा सकते हो कहाँ पे, कोर्ट में जा सकते हो, कि जो पर्सन अरेस्ट करा था उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, किस अधिकार से, रिट है हेबस कॉर्पस, ठीक है। एग्जाम में क्या आएगा कि जो हेबस कॉर्पस उसका मतलब क्या है, टू प्रोड्यूस द बॉडी, हमें बताओ वो पर्सन कहाँ पे है, ठीक है। दूसरी रिट है हमारी मैंडमस, मैंडमस मतलब कि लिटरली मीन्स कमांड, अब देखो कोई दो कोर्ट है हमारे, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, बड़ा वाला कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कल को हमारे हाई कोर्ट ने कुछ काम करा या फिर शायद वो ढंग से कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हमारा हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, उसको बोल सकता है कि भाई तू काम कर, क्या वी कमांड, हम तुम्हें कमांड दे रहे हैं कि तू ये चीज ढंग से नहीं कर रहा है, इस काम को कर, तो वो कौन दे सकता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, ठीक है। तो ये क्या है हमारा मैंडमस, मतलब कि कमांड। देन नेक्स्ट है तीसरा हमारा प्रोहिबिशन, देखो नाम से पता चल रहा है प्रोहिबिट, मतलब प्रोहिबिट करना, रोकना, किसको रोकना, मैंने बोला देख तो हमारा कौन कौन से कोर्ट होते हैं, सबसे लो डिस्ट्रिक्ट पे, उसके बाद हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट होता है। पर अगर कल को हमारा डिस्ट्रिक्ट वाला है कोई कोर्ट है, अगर कोई कुछ ऐसा कोई काम कर रहा है कि जो दायरे से बाहर है, ठीक है, तो उसको बोल सकता है हमारा हाई कोर्ट कि तू ये भाई गलत कर रहा है, रोकना उसको, मतलब प्रोहिबिट कर रहा है,
और अगर बाय चांस हाई कोर्ट गलत कर रहा है उसको कौन रोकेगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा जो चौथा है वो है हमारा प्रोहिबिट, रोकना, बस क्वेश्चन यही आएगा। प्रोहिबिट मतलब स्टॉप, टू स्टॉप। देन सर्शियोरी या फिर सर्शी बोलते हैं जिसको, इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड। नेक्स्ट है, हाँ फोर्थ, क्या मतलब है टू बी सर्टिफाइड का? अब देखो हमारे कोई हाई कोर्ट है, उसने क्या कर लिया, कोई लॉ बना दिया या फिर, ठीक है, हाई कोर्ट है उसने कुछ लॉ, क्या बोलो कि कुछ ऐसा सिस्टम लागू कर दिया, कुछ ऐसा ही, ठीक है, लॉ बनाने का तो चलो हाई कोर्ट के पास है नहीं, ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज बना दी या फिर कोई डिसीजन ले लिया ऐसा, ठीक है, कोर्ट में यही होते हैं डिसीजन वगैरह, किसी केस के रिगार्डिंग कोई डिसीजन ले लिया और डिसीजन था वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, यानी कि उनको सही नहीं लगा ये जजमेंट, ठीक है, किसने लिया, हाई कोर्ट ने हमारा क्या ले लिया, कोई डिसीजन ले लिया, अब सुप्रीम कोर्ट को ये गलत लगा, वो सही नहीं लगा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये इससे ज्यादा है, वो उस जजमेंट को बोलेगी, एक बार देखेगी रिव्यू करके, उसके बाद अगर उसको लगता है कि सच में जो हमें लग रहा है वो गलत है, तो आप क्या करो, हाई कोर्ट को वो बोल देगी कि जो तूने जो जजमेंट करी है उसको तू बोल एरर, उसको इशू कर कि ये एरर है, ठीक है, सर्टिफाइड कर, तूने जो जजमेंट ली है वो गलत है, तो इसको एरर लिख, ठीक है, इशू कर ये एरर है, कौन बोल सकती है, हमारी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ है हमारा क्यू वरंटो, मतलब कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, अब देखो कल को मैं बोल दूं कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है, एक पर्सन आ रहा है वो बोलता है कि भाई जो तुम्हारा ये ऑफिस है ये मैंने लिया हुआ है, इस पे मेरा अधिकार है, ठीक है, कल को आके वो ये बोल दे, तो जो वो गवर्नमेंट ऑफिस है, जो इनके हेड होगा उस वक्त, जो भी पर्सन बनाया होगा, बोलेगा भाई व्हाट इज योर अथॉरिटी, कहाँ पे लिखा गया है, तुम्हारी क्या अथॉरिटी है, ये गवर्नमेंट ऑफिस है, किसके अंडर आता है, गवर्नमेंट के अंडर, तुम इस पे कैसे बोल सकते हो कि ये तुम्हारा है, ठीक है, या तुम बोल सकते हो कि भाई मैंने कुछ लिया हुआ है या मेरे को किसी ने दिया है, बताओ किस अथॉरिटी के बेस पे, मेरे को प्रूफ दिखाओ, किसके बेस पे पूछ सकता है, देखो ये मैं बोल रही हूँ कि रिट्स हैं, यानी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर कोई कल को पर्सन बोल दे कि तू किस बिहाफ पे पूछ रहा है, तो आप बोल सकते हो रिट्स हैं इनके अकॉर्डिंग, हमारा क्या ये राइट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है, तो ये थी हमारी पांच रिट्स। अब देखो नेक्स्ट आती है हमारी डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51, नेक्स्ट डीपीएसपी देखो, हाँ इतना आ सकता है कि कहां से कहां तक, क्या 36 से लेके 51 तक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक,
ये हमारा पार्ट है 4। क्वेश्चन ये बन जाता है कि हमारे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ठीक है? तो क्या है? डीपीएसपी। और आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेके 51 तक आर्टिकल्स है, ठीक है? अब देखो, द इंस्पिरेशन ऑफ द डीपीएसपी कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बेलफेयर स्टेट। जो हमारा डीपीएसपी था उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? बेलफेयर स्टेट से। बेलफेयर स्टेट मतलब लोगों की भलाई के लिए काम करना, ठीक है? उसके बाद ये हमने बोरो कहाँ से करा है पूछते हैं, डीपीएसपी बोरोड फ्रॉम आयरिश या फिर स्पेन। अब देखो, इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं। इसमें बताया गया है इट द डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल। क्या है ये? नॉन जस्टिसिएबल। अब देखो, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन जस्टिसिएबल? कल को मैं बोल रही हूं कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आ रही है, ठीक है? कोई पॉलिसी लेके आ रही है और इसने क्या करा कि कुछ चीजें हैं वो ही या ये यानी कि प्रोवाइड कर पा रही है, यानी कि पूरी। अगर आपको बोला है कि हम 100 बंदों को ये प्रोवाइड करवाएंगे और ये चीजें हैं, ठीक है, बीच में इंक्लूड कर दी, 100 को तो करवा रहे हैं पर चीजें थोड़ी कम है, ठीक है? समझ रहे हो? चीजें थोड़ी कम है, करवा हम 100 को रहे हैं, तो हम कल को सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि हमें जो चीजें हैं वो कम प्रोवाइड करवाई जा रही है। क्यों? देखो, जस्ट हम किसके अकॉर्डिंग पे करेंगे? जितनी हमारे पास रिसोर्सेज इस वक्त प्रेजेंट होंगे, ठीक है? प्रोवाइड तो करवा रहे हैं हम आपको, तो दीज आर अनजस्टिसिएबल है, ठीक है? हम अगर कोई चीज हमें कम मिल रही है तो उसके बेस पे हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है? उसके बाद हमारी नेक्स्ट है फंडामेंटल टू दी गवर्नमेंट्स। फंडामेंटल टू दी गवर्नेंस, मतलब क्या है कि अगर कल को सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारी सोच के, हमारी जरूरतें, ठीक है, उसको सोच के बनाई जाएगी कोई भी पॉलिसी होगी। तो ये क्या है? फंडामेंटल टू दी गवर्नेंस है, ठीक है? अब देखो, आर्टिकल नंबर 36 में क्या है? आर्टिकल नंबर 36, इसमें बताया है इन दिस पार्ट अनलेस द टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर अ स्टेट। इसमें भी हमें स्टेट का मीनिंग बताया गया है कि स्टेट चीज क्या है। ये वाली पहले भी आर्टिकल नंबर, ठीक है, आर्टिकल नंबर 3-4 इधर भी यही था स्टेट की डेफिनेशन। तो देखा जाए आर्टिकल नंबर 36 और आर्टिकल नंबर 3 और 4 लिंकअप है। इसमें डेफिनेशन बताई गई है स्टेट्स की, उसके ऊपर वो नहीं था आर्टिकल नंबर 14 से मैंने स्टार्ट करा था, उसके ऊपर मैंने क्या बोला था, ये डेफिनेशंस हैं। अब देखो आर्टिकल नंबर 37, 36 वाला पूछा नहीं जाता, मैंने ऐसे बताया है। आर्टिकल नंबर 37 ने क्या बोला है? इट शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, ठीक है? आर्टिकल नंबर 37 में क्या बोला है? बुक में दिया हुआ है, बुक आर्टिकल नंबर डीपीएसपी नहीं है, ऐसे बताया हुआ है ना,
स्क्रैम नहीं करे, लिख लो लिख लो, 37 में दिया गया है कि इट शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट. ये लिखो, उसमें लिखा क्या गया है कि इट शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट. इन्फोर्स्ड, मैंने अभी बोला ना कि ये अनजस्टिफिशिएबल है, ठीक है, कि अगर बाई चांस कल को कोई पॉलिसी लेके आता है उसमें कोई कमी आ जाती है तो हम बोल नहीं सकते. अगर आपसे पूछेगा ये कहाँ लिखा है, किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल नंबर 37 बाय द कोर्ट, आर्टिकल नंबर 37, इट शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट. देखो एक क्वेश्चन बना था कि डीपीएसपी जो है वो क्या गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग है, बाइंडिंग है डीपीएसपी क्या, डायरेक्टिव पॉलिसीज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग है, इन द वे बाइंडिंग है पर नॉट डायरेक्टली. कैसे, यानी कि नॉट बाय द कोर्ट, मैंने यही बोला जस्टिफाइड वाली, कि अगर बाई चांस कल को कोई स्कीम्स लेके आ रहे हैं प्रोवाइड तो करवा रहे हैं ना, ठीक है. अगर तुम लोग कोर्ट का क्या मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स, अगर वैसे एग्जांपल देखो कोई भी आपके अगेंस्ट कुछ भी फाइल होता है या फिर आप पे कोई अटैक वगैरह कुछ भी सिस्टम हो रहा है, आप कहाँ पे जा रहे हो या फिर किसका मर्डर हो रहा, सुनवाई नहीं हुई, ठीक है, पहले चले गए डिस्ट्रिक्ट वाले कोर्ट में, उसके बाद कहाँ पे चले गए, हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट से भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, ठीक है. पर अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो है, अगर फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है, रिविजन हो रहा है, वॉल्यूशन हो रहा है, कहाँ पे जाओगे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट. ये आपका अधिकार है. वैसे सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जा सकते, जब हम सुप्रीम कोर्ट वाला देखेंगे तब उसमें आपको लग जाएगा पता किस किस के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीजें हैं जिसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे. पर अगर आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अगर वॉल्यूशन हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, आपको छोटे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है. तो वैसे ही अगर डीपीएसपी कल को कोई बोल दे कि भाई आपने ये पॉलिसी हमें प्रोवाइड नहीं करी, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, तो ये भाई गलत कर रहे हो तुम, ये डीपीएसपी में लिखा गया है, दीज आर अनजस्टिफिएबल, और केड़ा आर्टिकल है 37, ठीक है, नहीं बाइंडिंग है. वैसे तो बाइंडिंग है कि प्रोवाइड करवाओ पर नॉट थ्रू दी कोर्ट. उसके बाद देखो आर्टिकल नंबर 38 है, स्टेट टू सिक्योर अ स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ promotion of welfare of the people. State to secure a social order for the promotion of the welfare of the people. जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि ये क्या है इंडिया, वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर मतलब लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है. पर कल को हम बोले हम सब्सिडी अलग नहीं करवाएंगे आपको प्रोवाइड, हम यूरिया नहीं भेजेंगे जो आपको, यानी कि क्या बोलते हैं उसे, डिपू वगैरह कोई सिस्टम, ठीक है, उधर आता है आपको मेनली कम कॉस्ट पे आ रहा है, तो आपको गवर्नमेंट कल को बोले भाई हम नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, या फिर कोई भी चीज है उसको हम प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, हम भाई मिड डे मील भी नहीं करवाएंगे, क्या कर रहे हो तुम लोग, गलत है भाई. आपने लिखा है कहाँ पे लिखा है, 38 आर्टिकल में, कि हम क्या बनाएंगे, वेलफेयर स्टेट बनाएंगे. ये करोगे आप तो गलत करोगे, आपके अगेंस्ट फाइल हो जाएगी, ठीक है. तो इंडिया को हम वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, ये कहां पे लिखा है, आर्टिकल नंबर 38 में. नेक्स्ट है, इसका एक पहले वाला पार्ट है 38 का पार्ट ए, कैसे हम इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, थ्रू जस्टिस, 38 ए, थ्रू जस्टिस, पॉलिटिकल
एंड सोशल इकोनॉमिक्स जस्टिस पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस वी विल प्रोवाइड कैसे सोशल और जस्टिस इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे प्रोवाइड करवाएंगे पर्सन है यानी कि सिंपल सिंपल ये देखो कि ज्यादा डेप्थ मैन ठीक है सही बोल रहा आप भी पर सिंपली मैं क्या देखूं कि एक मैन है वुमेन है जस्टिस प्रोवाइड कैसे करवा रहे हैं 12 घंटे दोनों जॉब कर रहे हैं ठीक है 12 घंटे जॉब कर रहे हैं तो ये नहीं है कि एक को आप दोगे 9,000 दूसरे को देगे आप 30,000 कि वो भाई लेडी है वो इतने पैसे का क्या करेगी या फिर शायद इतनी कैपेसिटी से वो कमा नहीं पाती जितनी की मैन कमा रहा है वो नहीं चलेगा अगर दोनों हैं कमा रहे हैं टाइमिंग सेम है तो दोनों को बराबर पैसा तो ये है जस्टिस ठीक है इकोनॉमिक कंडीशन भी है पॉलिटिकल भी है ठीक है दूसरी चीज देखो दूसरी चीज अब देखो ओल्ड बंदे हैं पीपल हैं उनके लिए क्या प्रोवाइड कराया हमने पेंशन वो भी क्या है जस्टिस है भाई कमा नहीं सकते ठीक है हाथ पैर नहीं चल सकते क्यों कौन सी एज है 65 है शायद 60 कुछ इस एज के बाद बाद शायद 65 है उसके बाद पेंशन लग रही है जो हमारे ओल्ड है बुजुर्ग है वो क्या हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इसके थ्रू जस्टिस उसके बाद इसका दूसरा वाला है बाय द 44 अमेंडमेंट 1978 सिख अकॉर्डिंग क्या लिया गया है देखो एक हुई थी हमारी 42nd वाले अमेंडमेंट उसमें क्या था तीन शब्द थे इंक्लूड करे गए थे कौन कौन से फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट 1976 हुई थी इसके अकॉर्डिंग तीन शब्द थे वो एड ऑन करे गए थे वो कौन कौन से थे याद कर लेना उनको ठीक है अब ये है 44 अमेंडमेंट 1978 इसमें क्या लिखा है द स्टेट शैल कोमा लगा के इन पर्टिकुलर नहीं हाँ उसमें क्या लिखा हुआ है 1978 इसमें क्या लिखा है द स्टेट शैल कोमा लगा के इन पर्टिकुलर पर्टिकुलर कोमा स्ट्राइव STRIVE स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम एंड मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन द इनकम इनकम एंड एलिमिनेट द इनइक्वालिटी इन स्टेटस एलिमिनेट द इनइक्वालिटी इन द स्टेटस कोमा फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज नॉट ओनली अमंग इंडिविजुअल्स What also also the group of people group of people residing in different area residing in different areas or engaged in different vocations एरिया वोकेशन वोकेशंस
अब देखो इसमें क्या लिखा गया है 45 अमेंड में, एक पर्सन है उसकी उसके पास है 100 करोड़, दूसरा पर्सन उसके पास है 100 लाख। अब देखो मिनिमम यानी कि इन दोनों की इनकम का क्या करना है, एक इक्वल बेस पे लेके आनी है, ठीक है। या फिर कोई है वो महीने का कमा रहा है 20,000, दूसरा पर्सन है वो महीने का कितना कमा रहा है 2 या 3 लाख, ठीक है। इसको इन इक्वालिटी इन इनकम को बैलेंस करने के लिए क्या बनाया गया है, टैक्स, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि हमें क्या करना है, मिनिमम करनी है इन इक्वालिटी इन इनकम में, वो उसके लिए हमने क्या कर दिया भाई टैक्स, जिसके पास तो भाई है ही नहीं इतनी, एक लिमिट होती है कि इसके बाद टैक्स नहीं कटेगा, तो जिसके पास है नहीं उसके तो टैक्स नहीं कटेगा, पर जिसके पास ज्यादा है उसका टैक्स कटेगा, तो बैलेंस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा 39 वाला, इसमें सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, आर्टिकल नंबर 39, द सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। ऑफ द पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, पहली क्या पॉलिसी है, ए नंबर पे आया दैट द सिटीजन कौन से मैन एंड वुमन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि कमाने का अधिकार आदमी और औरत के पास बराबर है, ठीक है। ये 39A में लिखा गया है। उसके बाद अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि कमाने का अधिकार आदमी और औरत दोनों को समान है। देखो इसमें है 39A, B, C, D, E, F, G, बड़े ज्यादा हैं, मैं आपको मोस्टली वो लिखवाऊंगी जो आपको करवाने लायक है, ठीक है। उसके बाद है हमारा सी सी, हाँ, द मोनोपोली जो है वो हम नहीं होने देंगे। मोनोपोली मतलब वही जो मैंने तुम लोगों को बताया था कि एक पर्सन है उसके पास बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। मोनोपोली यानी कि ये लो एग्जाम्पल, वही 12 घंटे वाली ड्यूटी, कि ना मैन में ना वुमेन में दोनों को इक्वल पे होगा, उसके बाद नहीं होने देंगे। उसके बाद है सी नहीं हाँ ई, ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द हेल्थ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मैन एंड वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड एंड दैट सिटीजंस आर नॉट फोर्स्ड बाय द इकोनॉमिक नेसेसिटी। इसका ई में क्या है कि अब देखो हमने लॉ बनाया है कि बच्चे हैं उनको भी पढ़ाई प्रोवाइड करवाएंगे, क्यों, एक तो हमारी देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो, सुधार आए उसमें, और दूसरा हमने क्या करा है, एक मुझे बताओ हमने एक पर्टिकुलर लिमिट नहीं होती कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं कि इतनी एज के बाद रिटायर हो जाएंगे, इतनी एज के बाद रिटायर हो जाएंगे, क्यों रखी हुई है, उनकी भाई हेल्थ भी जरूरी है, ये ना है कि बंदा क्या है कमाता रहे कमाता रहे कमाते कमाता ही मर जाए, होता है कहीं की 56 है, कहीं की 58 है, 65 है, अलग अलग अपनी है, क्यों एक पर्टिकुलर बनाई गई है 39E के अकॉर्डिंग, क्यों बनाई है कि हम भाई ये नहीं कि पैसा ही देखते हैं, हम क्या हेल्थ भी देख रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमने क्या बना दिया, एक पर्टिकुलर टेनर सिस्टम, चिल्ड्रन मैन वुमन आर नॉट अब्यूज्ड, उनके साथ गलत ना हो, एंड सिटीजन्स आर नॉट फोकस्ड बाय द नेसेसिटी कंडीशंस, कि सिटीजन है ना सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन ही ना देखें उसके चक्कर में, हेल्थ के चक्कर में, ठीक है। तो ही बोला गया भाई इस एज के बाद आपको पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, आप बेचारे कमा भी नहीं सकते हैं, आपने उनको हटा भी दिया तो ही तो देखो पेंशन स्टार्ट होगी जी, ठीक है। तो हम सिर्फ एक चीज ही नहीं देखते, हम बहुत कुछ देख रहे हैं, फोकस्ड बाय द इकोनॉमिक नेसेसिटी, टू एंटर अवोकेशन अनसुटेड
टू देयर एज ऑफ स्ट्रेंथ. अब देखो एफ में क्या है कि कोई चिल्ड्रन है, ठीक है, चाइल्ड है कोई, उसके पास क्या है, पेरेंट्स नहीं है, तो उसको क्या प्रोवाइड करवाया गया है, गार्डियंस, ठीक है, देख रेख करने के लिए. या फिर जैसे कोई जिसका कोई रिश्तेदार आ जाए, गार्डियन है, कोई भी आ सकता है उसमें, ठीक है. तो ये किसमें लिखा गया है, एफ में लिखा गया है. उसके बाद देखो, अब देखो प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, कि अगर कोई प्रोस्टिट्यूट है, उसका कोई बच्चा है, ठीक है, कल को उसपे उंगली उठ सकती है, तो उसकी भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसने ली है, सरकार ने, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39 एफ. हर एक जिसका बच्चा बेचारा, अगर कोई बच्चा है उसके पेरेंट्स नहीं है, तो उसको गार्डियन भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39 एफ, ठीक है. उसके बाद देखो एक है हमारा नेक्स्ट 40 आर्टिकल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. 40 आर्टिकल है जिसको ऑल्सो नोन एज गांधियन प्रिंसिपल, गांधियन आर्टिकल नंबर 40, जिसको हम बोल रहे हैं गांधियन प्रिंसिपल. गांधी के नक्शे कदम पे गांधी ने क्यों बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, ठीक है. इधर क्या था, द विलेज पंचायत सिस्टम, जो कि आज भी प्रेजेंट है. हाँ नहीं नहीं वो तो आर्टिकल, हाँ पंचायती राज सिस्टम 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आएगा, ठीक है. पंचायत सिस्टम किसने, बाय द आर्टिकल नंबर 40. अब देखो इसमें लिखा है स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत एंड अंडरवो देम, ठीक है, विलेज पंचायत बनाए और उसको आगे रूल करे, चलाए उसको. एंड ही विल सच अ पावर्स एंड अथॉरिटी एज मैनी वी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. यानी कि एक पंचायत पूरा का पूरा सिस्टम चलाएगी तो उसके पास एक सेल्फ गवर्नमेंट आ जाएगी, ठीक है, कि कैसे कैसे चलेगा इसका. जैसे होते नहीं है विलेज में कोई पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं, तो उधर कौन वर्क करेगा, क्या क्या सिस्टम है, वो एक पर्टिकुलर पर्सन के बाद आता है आफ्टर द इलेक्शन. तो एक में एक पूरी की पूरी छोटी सी सेल्फ गवर्नमेंट है ही, ठीक है. अब देखो 1992 में लिखो द पंचायत राज जो इंट्रोड्यूस हुआ था, और फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट था वो था नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. देखो 1992 में जो पंचायत राज सिस्टम था वे इंट्रोड्यूस हुआ है, और जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट था जहां पे पंचायत वाला सिस्टम चलाया था वो था नागौर डिस्ट्रिक्ट, NAGORE, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है. कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, वो हुई थी 73rd अमेंडमेंट 1993. बहुत बार एग्जाम में आया है, हाँ 73rd अमेंडमेंट 1993. पंचायत जो सिस्टम है, पंचायती राज, पहले तो ये पूछते हैं कि जो पहला डिस्ट्रिक्ट जहां पे पंचायत वाला सिस्टम था वो क्या हुआ है, हाँ पंचायत राज सिस्टम 1992 में हुआ है, जो पंचायत बन गई थी एक, ठीक है, सिस्टम और बनना अलग चीज है वो, ठीक है. तो पंचायत राज सिस्टम 1992 में बना है, जो पंचायत बनी है वो बनी है हमारी नागौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, राजस्थान में. कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था ये 73rd अमेंडमेंट 1993. उसके बाद है आर्टिकल नंबर 41, इधर है राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट, राइट टू वर्क 41 आर्टिकल है, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट,
सर्टेन केसेस. अब देखो ये आया था एजुकेशन एक्ट सिस्टम था 2006 में आया था, 2006 में आया था. इसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भाई ओल्ड एज है, आज भी देखो सीट्स हैं, कोई हैंडीक्राफ्ट है, फॉर्म भरा जाता है उसके लिए भी क्या है, सीट्स अवेलेबल हैं. किसके थ्रू आया ये आर्टिकल नंबर 41, कब से आया, 2006 से आया है. कि कोई अगर हैंडीकैप भी है वो क्या करेगा, काम भाई कर सकता है. एक आधा पार्ट गया होगा, हाथ चला गया, पैर चला गया, बाकी तो दिमाग तो चल रहा है, ठीक है. उसके बाद देखो 42 आर्टिकल्स, द प्रोविजन फॉर जस्टिस, प्रोविजन फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, प्रोविजन फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनल लीव. रिलीफ रिलीफ रिलीफ. अब देखो पता क्या है, व्हाट डू मीन बाय द ह्यूमन कंडीशंस. देखो काम कर रहे हो आप किसी ऑफिस में, उधर आपके पास क्या होना चाहिए, वॉशरूम पहली फैसिलिटी है, ठीक है, ये हमारी ह्यूमन कंडीशन में आता है. दूसरी चीज मैटरनल रिलीफ. दूसरी क्या, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है आफ्टर डिलीवरी उसको 12 वीक की क्या दी जाती थी छुट्टी, अब हो गई है 26. पूछा गया है 12 वीक की जगह 26 वीक की छुट्टी होगी अब, ठीक है, हाँ 6 महीने, ठीक है, 12 वीक से लेके 26 वीक की अब मैटरनल लीव मिलेगी और इसमें उसको सैलरी भी मिलेगी, ठीक है, इक्वेशन बना है. उसके बाद आर्टिकल नंबर 43, नहीं गवर्नमेंट में तो फिक्स है, प्राइवेट में हाँ वो उनके कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि किसमें क्या क्या लिखा गया, ठीक है. अब आर्टिकल नंबर 43 है, उसमें लिखा है द लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर द वर्कर्स, लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर्स, यानी कि भाई गरीब है इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अगर पूरा दिन क्या लगाया काम करा उसने, ठीक है, मजदूरी सोच लो, मजदूरी करी तो अगर एक दिन का 400 रुपया रख लो, ठीक है, मजदूर किया तो ये नहीं कि भाई गरीब है तो उसको उसकी शक्ल देख के उसको कितने देने हैं, 100 रुपया देना है, ऐसा भी नहीं होगा. और ऊपर से पता है संडे को छुट्टी है, जैसे प्राइवेट कंपनीज हैं संडे को छुट्टी है तो छुट्टी देनी ही पड़ेगी, ये नहीं है कि वो छुट्टी भी तुम लोग खा जाओगे, ठीक है, ये हमारी लिविंग वेजेस में आता है. एक्सेट्रा फॉर दी वर्कर्स. नेक्स्ट है हमारा 43A, द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट इंडस्ट्री, द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट इंडस्ट्री, यानी कि किस इंडस्ट्रीज में अगर वो काम कर रहे हैं उसमें भी उसको पार्टिसिपेट करना है, यानी कि कल को कोई फंक्शंस वगैरह से रिलेटेड भी आता है, ये थोड़ी ना कुछ होता ही नहीं है, तो उसको ये है, एक क्या है उसके कंपनी के अकॉर्डिंग की देखो पार्टिसिपेशन क्या होगा, कंपनी कंपनी है, कंपनी के रिलेटेड ही कुछ चलाएंगे वो, तो उस चीज में उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा 44, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमारा 40 वाला इंपॉर्टेंट था 44 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया. दिस इज नोन एज यूनिवर्सल सिविल कोड, वन लॉ फॉर वन एवरीवन, वन लॉ, यूनिवर्सल सिविल कोड, यूनिवर्सल सिविल कोड, कोड कोड CODE, यानी कि वन लॉ फॉर एवरीवन. कौन सी कंट्री है पूछते हैं,
गोवा, गोवा में यूनिवर्सल सिविल कोड है। मतलब क्या है यूनिवर्सल सिविल कोड है? इधर देखो, इधर क्या है, अगर कोई हिंदू है उनकी शादी वगैरह मंदिर है कुछ भी अलग अलग रीति रिवाज है, मुस्लिम है उनके अलग है, सिख है क्रिश्चियन है उनके सबके अलग अलग है। अगर गोवा में हो तुम, अगर तुम हिंदू हो मुस्लिम है सिख है ईसाई है कुछ भी है, तुम्हें उधर शादी करनी है तो एक ही भाई लो है, जैसे गोवा में करते होंगे, जैसे जब कुछ भी है गोवा में क्या चलता है क्रिश्चियनिटी चलती है शायद, है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर तुमने उधर शादी करनी है तो ये नहीं कि तू फेरे लेने लग पड़े या फिर वो कबूल है कबूल है, कुछ भी नहीं होगा वो, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग ही होगी वो शादी, यानी कि एक लो सभी के लिए वैलिड है चाहे वो कोई भी है। वो कहाँ पे है? गोवा में। बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। अब देखो नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 45, द प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 0 से लेके 14 साल। 45, द प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, रीजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर दी चिल्ड्रन, हाँ 0 से 14 साल की उम्र के बच्चे को एजुकेशन क्या है? फ्री है, ठीक है, देखा होगा स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में उनकी एजुकेशन, उसके बाद उनकी ड्रेसेस, उनकी बुक्स तक का सारा खर्चा कौन उठाता है? सरकार, उसको मिड डे मील भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे लिखा है? आर्टिकल नंबर 45 में लिखा है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 46, द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट, द प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ऑफ एससी एसटी एंड अदर वीकर सेक्शंस, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम है जो ये लो कास्टे हैं, ठीक है, जो बनाई गई हैं उनमें क्या बोलते थे कि क्यों बनाई गई थी, कि ताकि इनको ऊपर उठाया जा सके, इनका शोषण ना हो, ठीक है, कि आज भी देखो जैसे अलग अलग फॉर्म्स निकलते हैं तो अलग अलग दे रहे हैं कि इसमें ये इनके लिए इतनी सीट्स हैं इनके लिए इतनी सीट्स हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि किसी का शोषण ना हो सके, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। जैसे हम बहुत ज्यादा मानते हैं कि ये इधर से है इधर से है, वो क्यों दिए गए हैं सारे दर्जे? वो तो दिए गए हैं कि शोषण ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 47, ड्यूटी टू द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग LIVING लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, देखो इसमें क्या बताया गया है कि स्टेट है वो प्रोवाइड करेगी सबसे ज्यादा कि नशीले पदार्थ है उनका यूज ना हो, ज्यादा से ज्यादा यूज ना हो, दूसरी चीज बच्चों की देखरेख के लिए बच्चे को ढंग से क्या मिले, न्यूट्रिशन मिले, मिड डे मील स्कीम चलाई गई थी, मेरे को बताओ बताओ कि वो फर्स्ट स्टेट जिसने मिड डे मील स्टार्ट करी थी वो कौन थी? टी से नाम है तमिलनाडु, एग्जाम में आया। तेलंगाना, आप स्टार्ट ही तमिल से कर दिया तो तमिल ही होगा, ठीक है। तो क्या है उनको अलग अलग दिए जा रहे हैं कि आप क्या करो भाई, मिड डे मील बच्चों के लिए ढंग से, देखो बच्चे पहले खाएंगे नहीं क्या बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 48 है, मिड डे मील प्राइमरी स्कूल है जो 8 तक होगा। अब देखो है
फिफ्थ एट देख लेना, मेरे को नहीं है इसका बारे में आइडिया। आर्टिकल नंबर 48, इसमें बताया गया है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, देखो स्टेट को क्या है एग्रीकल्चर और पशुपालन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्यों? इधर क्या है ज्यादातर कृषि पे डिपेंड है लोग, ठीक है, तो एग्रीकल्चर और पशुपालन पे ध्यान होगी तो जो गरीब भी बंदा होगा ना वो कमा सकता है, पेट भर सकता है अपन, ठीक है। अब कहाँ लिखा गया है हमारे आर्टिकल नंबर 48 में। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 48B, इसमें लिखा था प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट, एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। भाई सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, देखो हमारे मुझे बताओ ज्यादातर हमारा स्टेट है पूरा देखा जाए इंडिया ज्यादातर भरा किससे है, ज्यादातर क्या है फॉरेस्ट है, 33% क्या है फॉरेस्ट है, ध्यान किसको रखना है सरकार सरकार को भी रखना है पर हमें ज्यादा रखना है, ठीक है। तो 48B में बताया गया है प्रोटेक्शन रखनी है किसकी, फॉरेस्ट वगैरह की, ठीक है। देखा नहीं होगा फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसीज आती हैं, क्यों है वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, बिना मात के लकड़ी ना काटे जाओ, ठीक है, एनिमल्स को मत मारो, जैसे सलमान खान ने क्या मार दिया था ब्लैकबक, क्यों उसके ऊपर उसको ठीक है, तो क्यों सब कुछ हो रहा था क्योंकि इनकी प्रजाति क्या हो रही है खत्म हो रही है, ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन एक्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है, वो आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। देन आर्टिकल नंबर 49, द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, अब देखो मैंने बोला था प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि जो हमारे नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कहाँ पे जाते हैं म्यूजियम वगैरह, ठीक है, उधर जा रहे हैं हम उनकी प्रोटेक्शन करो, ऊपर से कोई ऐसी जगह चले गए जैसे देखने वाली जगह नहीं होती कुछ भी देखने वाली कोई भी जगह है, ज्यादातर हम क्या बनाते हैं हाँ यानी कि दिल दुल बना के चले जाते हैं लोग, है ना, ये वो ये है वो है, उस पे ये नहीं करना है, ठीक है, वो क्या है एक यार देखा कोई और देखेगा तो खराब ही कर रहे हो तुम डे बाय डे, ठीक है, ब्यूटी को खत्म कर रहे हो, अभी तो दिल तुम्हें अच्छा लग रहा है बाद में सूख के क्या होगा, ये दिल एग्जैक्ट में देखा है कैसा होता है उनको थोड़ी ना पता है, वो ऐसा इतना सा होता है और पता नहीं क्या क्या ही है एक्चुअल में, दिल देखोगे तो प्यार से नफरत हो जाएगी, ठीक है, जो दिल होता एक्चुअल में जो है, यानी कि इसको हमें प्रोटेक्ट करना, ऐसी बेकार वाली हरकतें जो इमेच्योर वाले पर्सन की हरकतें हैं वो नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद देखो हमारी आर्टिकल नंबर 50, ये है द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूशन, सेपरेशन ये बहुत बार आता है एग्जाम में, आर्टिकल नंबर 50 द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट करता है जो, अब देखो क्या था, एक थी हमारी लेजिस्लेचर, दूसरी थी एग्जीक्यूशन, थर्ड थी हमारी जुडिशरी, क्यों सेपरेट करा गया है, अलग अलग हैं क्या, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट करती है लॉ को, ठीक है, अगर बाय चांस इसमें जुडिशरी जुडिशरी हमारी एड ऑन हो जाती है तो क्या होगा, लो है बाय चांस कोई गलत निकल गया जुडिशरी एड ऑन होगी तो वो जजेस क्या
एग्जीक्यूटिव वाले को कुछ बोल पाएंगे? हाँ, चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम जजेस अलग रहे, उनकी एक अलग वैल्यू है, वो बाइंडिंग नहीं है किसी पे, मैं पहले ही बताया था, ठीक है, कि कल को अगर कोई पॉलिटिशियन है उसने भी मर्डर कर दिया ना, तो कल पे उसपे दबाव नहीं है हमारे जुडिशरी पे कि तू भाई तूने गलत किया है, तूने ये करा है, वो उसको दंड दे सकता है, ठीक है। जैसे हमारे इधर देखो पुलिस वाला सिस्टम है, ज्यादा देखो जो लो लेवल के हैं सब इंस्पेक्टर वगैरह, उनको ऊपर वाले दबाते हैं, भाई इसको तूने लिया, मूवीज में भी देखा होगा, छोड़ इसको, परमिशन आ गई ऊपर से। ये सिस्टम जुडिशरी में नहीं चलता, ठीक है। तो इसके लिए हमने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग करा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 51, लास्ट है, द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब देखो हमें क्या बनाना है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनानी है। क्यों इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी क्यों बनानी है? शांति क्यों बनाए रखनी है और दूसरों के साथ एक अच्छा लिंकअप क्यों करना है इंटरनेशनल? जैसे देखो हमारे साथ सबसे ज्यादा कौन आता है, जैसे अगर बाई चांस हो सकता है कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 चाइना के साथ हो जाता, तो हमारे साथ जो सबसे ज्यादा बोला जाता है कंट्री है जो हमारे साथ चलने वाली थी, कौन सी थी? रशिया। तो हमने क्या एक बॉन्ड बनाया है, कब से चल के आ रहा है ये सारा का सारा बॉन्ड, ठीक है। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की जरूरत तभी पड़ती है कि हम कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है। देखो हथियार कितने लिए हमने रशिया से, अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या जरूरत पड़ सकती है और इंटरनेशनल पीस की जरूरत क्या है? कोई कंट्री बोलेगी भाई इसका तो किसी के साथ भी नहीं बनती, इसका साथ हम क्यों दें? तो इसके लिए इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी दोनों जरूरी है, ठीक है। ये थे हमारे डीपी एसपी। फंडामेंटल ड्यूटीज थोड़ी सी हैं, करवा दूं? जल्दी जल्दी करवा दूंगी, थोड़ा सा फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई है ना इधर, मैं सिर्फ आपको बोलूंगी, आपने लिखना नहीं है, ठीक है, बुक में दिया हुआ है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज है पार्ट फोर में क्या आ रहा है? डीपीएसपी 4A में आ रही हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कहाँ से ली गई हैं? एक थी हमारी स्वर्ण सिंह कमेटी के बेस पे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया है, आर्टिकल नंबर 51। हमारी जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और जो एक है वो बाद में हुई है एड ऑन 11 वाली। टेन ड्यूटीज थी वो हुई थी 42nd अमेंडमेंट 1976 एक्ट के अकॉर्डिंग एड ऑन, और जो हमारी 11th वाली थी वो हुई थी एड ऑन वाय 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो फर्स्ट 10 थी, और उसके बाद जो 11 वाली थी ना वो पता कैसे हुई थी? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग। देखो पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है, 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 में, इसके अकॉर्डिंग हमारी 11वीं एड ऑन हुई है। 86 मैम? हाँ जी, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। देखो पहली वाली है, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड द इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। मानना क्या कॉन्स्टिट्यूशन को, उसकी रिस्पेक्ट करनी, किसकी? हमारे नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की। वो क्या है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है।
देखो आपसे क्वेश्चन पता है कैसे पूछे जाते हैं, आपको लाइन दे देंगे, वो बोलेंगे कि इसमें से बताओ हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, वो कौन सी है जो नहीं है, ठीक है। दूसरी वाली क्या है, टू चैरिश एंड फॉलो द नोवल्स आइडियाज ऑफ द नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, आनंद लेना क्या द नोवल्स आइडिया ऑफ द नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, कि कैसे कैसे हमारी फ्रीडम हुई है उस चीज को देख के आनंद लेना, उसके बाद और उसके आइडियाज हैं उनको क्या करना माइंड में लेते, कुछ भी है लेते रहना या कुछ है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द इंडिया, बनाए रखना और प्रोटेक्ट करना सोवरेनिटी यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया को, ये भी हमारी क्या है फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट है टू प्रमोट अ हार्मनी एंड अ ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड अ रीजनल एंड अ सेक्शनल डाइवर्टीज एंड गिविंग अ प्रैक्टिस डेट्रोगेटरी टू द वुमेन्स डिग्निटी, यानी कि हमें हार्मनी बनानी है, पीस बनाना है और ब्रदरहुड बनाना है, कहाँ पे इंडिया में, ठीक है। भाईचारा, भाईचारा ये नहीं कि ऐसे दूसरे वाला भाईचारा, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है सेम है, ठीक है, वो वाला भाईचारा। और वुमेन्स की भी रिस्पेक्ट करनी है, हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है, हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी है, वो क्या है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाली टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर्स द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, अगर हमें जरूरत पड़े तो क्या करे डिफेंड करनी अपनी कंट्री को, ठीक है, डिफेंड करना है कंट्री को और नेशनल सर्विस में आना है अगर जरूरत पड़े तो। नेक्स्ट सिक्स्थ है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, अपनी जो हमारी कल्चर है उसको बचाना, संस्कृति को बनाए रखना, वो भी हमारी क्या है ड्यूटी है। नेक्स्ट सेवन पे आ रहा है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक्स रिवर्स वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स, यानी कि प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना किसको, नेचुरल इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को, लेक्स को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह को, ठीक है, ये भी क्या है ड्यूटी है हमारी। नेक्स्ट है हमारी टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमैनिज्म स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड अ रिफॉर्म, यानी कि साइंटिफिक टैमर मतलब कि टोने वगैरह को नहीं मानना, ठीक है, टोने टूने वगैरह ये सिस्टम ऐसा होगा इससे ये हो जाता है, साइंटिफिक रीजन से चलो जिंदगी में। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमैनिटी, एक इंसानियत हमेशा अपने मन में रखो। उसके बाद स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ज्ञान लेने के लिए हमेशा क्या होना इच्छुक होना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ में टू सेफ गार्ड दी पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वॉयलेंस, यानी कि हमें क्या करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करना है सेव करना है और जो हमारी वॉयलेंस है उसको कम करना है, ठीक है, रोकना है ऑब्जर्व वॉयलेंस को रोकना है जितना हो सके। नेक्स्ट देखो टू स्ट्राइव टूवर्ड द एक्सलेंस इन द ऑल द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशनल कॉन्सेप्ट राइज टू हायर लेवल ऑफ द एंडेवर्स एंड अचीवमेंट, यानी कि क्या करना है एक परफॉर्मेंस बेस्ड, यानी कि हमारे स्कूल्स में नहीं है हर एक फंक्शन में क्या होता है कोई ना कोई परफॉर्मेंस हो रही है उसमें एक कल्चरल पक्का होगी, तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया उसके बाद क्या है कि हम अपनी संस्कृति को भी बचा सके, एक जो स्ट्राइव करनी एक्सीलेंस को इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटीज करते रहो उसके बाद ताकि हमारा जो नेशन है वो हायर लेवल तक जा सके। ये हमारी 10th थी। 11 देखो एवरी पेरेंट्स गार्डियन टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन टू हिज चाइल्ड वार्ड बिटवीन द 6 to 14 ईयर्स इट इज द ड्यूटी टू द एडेड बाय द 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। अगर कोई पेरेंट है या फिर पेरेंट नहीं है वो गार्डियन है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, तेरी ड्यूटी है फंडामेंटल ड्यूटी, तू बच्चे को जो कि 6 से 14 साल की उम्र के बीच है उसको क्या प्रोवाइड करवा एजुकेशन, ये तेरी भाई ड्यूटी है। 11 नहीं दिया लिख लो, इसलिए टू एवरी पेरेंट गार्डियन, एवरी पेरेंट गार्डियन टू प्रोवाइड प्रोवाइड
अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 years. This duty was added by 86th Amendment Act 2002. Amendment Act 2002. ठीक है, देखो ये थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज एंड हमारे डीपी एसपी. थोड़ी देर और रुक सकते हो? हाँ बोलो मैम. हाँ जी, जो आपने आर्टिकल 45 करवाया ना, मेरी बुक में ऐसा लिखा हुआ है, आपने बोला ना चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 14 years तक फ्री एजुकेशन. सॉरी, इधर 6 to 14 लिखो. 6 to 14, 6 तक है इसमें. क्या 0 to 6 आएगा ना मैम? हाँ, 6 to 14 आएगा. 0 to 6. हाँ, एजुकेशन वाला तो 6 to 14 ही है, बच्चों के लिए तो यही है. 6 to 14 ही है. 6 to 14 नहीं मैम, ऐसे नहीं. आर्टिकल 45 में 6 एज तक आएगा एजुकेशन फ्री. हाँ, 6 to 14 कर लो ये. 0 to 6 14. 6 to 14, 45 वाला आर्टिकल है उधर, शायद मैंने 6 से 0 से लगवा दिया हुआ. हाँ, इधर 6 to 4 लिखो, 45. आज के लिए इतना ठीक है कि और करवा दूँ थोड़ा सा बस? चलो ठीक है. रे हाँ, थैंक यू. ओके मैम, थैंक यू.